नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका DS4 न्यूज में। 90 सीटें, आखिरकार 90 सीटों पर किसका बोलबाला है? यहाँ पर हरियाणा में जनता किसको मौका दे रही है? वजह क्या है? घोषणा पत्र जारी हो चुके हैं, चुनावों में महज कुछ दिन रह गए, तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर। क्या चाह रही है, मतलब आप क्या चाह रहे हैं कि ये एक, क्योंकि जो बीजेपी ने 10 सालों में करके दिखाया था वो ना, तो यहाँ बहुत बेरोजगारी है, बहुत ना कोई रोजगार की कोई सुविधा है, यहाँ आने जाने के लिए लोगों के लिए ना कोई कन्वेंस की सुविधा है। हम लोग 6 बजे से यहाँ खड़े होते हैं, लोग बाग आने के बाद में भी यहाँ लोकल टेम्पो होते हैं, वो कन्वेंस की तो इतनी ज़्यादा समस्या है कि इस बीजेपी सरकार ने सभी को ख़त्म कर दिया। कहती है 50 साल में जो काम नहीं हुआ, कुछ नहीं किया। आप कहाँ कहाँ की बातें सुनोगे? मणिपुर की बात सुनोगे आप, या आप हरियाणा की? हरियाणा की बात में ये है कि हरियाणा में ना जितना भी कुछ हुआ है, नथिंग हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ इस बीजेपी सरकार के अंदर। 10 साल पहले क्या था? 10 साल पहले ये कोई देश आज थोड़ी आजाद हुआ है। 1947 में आजाद हुआ था, 1947 से लेकर के आज तक, इसमें मानता हूँ 50 साल कांग्रेस ने भी राज किया, 10 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उन्होंने भी राज किया, और अब 10 साल से अब बीजेपी भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है। ऐसा लग रहा है आपको कि हरियाणा में कांग्रेस वर्सेस ऑल पार्टी है? नहीं, ये एक कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को हराना है, इसलिए हमने कांग्रेस को समर्थन दे रखा है। हालांकि मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मैं हूँ आज़ाद समाज पार्टी से भाई चंद्रशेखर का समर्थक हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो भाजपा कह रही है, मोदी जी आए थे कुरुक्षेत्र में तो कहते नजर आए थे कि किसानों को 72 घंटे में पेमेंट मिल जाती है उनकी, बुजुर्गों को हम यहाँ पर 3,000 पेंशन भी दे रहे हैं। मैं, मुझे बड़ी अफसोस और उसके साथ में कहना पड़ रहा है कि आज जो इन्होंने जो किसानों की, जवानों की, पहलवानों की और जो सारी समस्या है, मोदी जी उसको कह करके जाते हैं और अमित शाह जी बाद में अपनी स्टेटमेंट देते, ये तो एक जुमला था। तो एक जुमले के ऊपर अगर वोट लेना चाहते हो तो मैम नथिंग, हम इसको वोट नहीं देंगे। विश्वास डगमगा गया है जनता का आपके बाद? नहीं, जनता को खुद को विश्वास नहीं है। मुझे क्या विश्वास है? जनता को खुद को विश्वास नहीं है कि वो वोट देंगे। जनता को तो बेवकूफ बना रखा है मोदी जी ने। अमित शाह ने खुद अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि ये तो एक जुमला है। अपने जो वो अपने एक प्रेस रिपोर्टर हैं, उन्होंने खुद उनका इंटरव्यू लिया था आपकी अदालत में, रजत भाई ने इंटरव्यू लिया था, उन्होंने रजत भाई के सामने कहा था कि ये तो एक जुमला है। अभी कह रहे हैं यहाँ पर घोषणा पत्र जो भाजपा का है उसमें कहा जा रहा है कि यहाँ पर 2 लाख नौकरियां दे दी जाएगी, 500 रुपए का सिलेंडर दे दिया जाएगा, तो जनता क्यों नहीं मानेगी बात? मैम, आज से अगर मैं मानता इस चीज को, अगर इसको 1 साल पहले इम्प्लीमेंट करते, जब 1 साल पहले इम्प्लीमेंट नहीं किया तो आगे किस, क्या आपकी गारंटी है? आपकी गारंटी नहीं है, मेरी गारंटी नहीं है। हो सकता है शायद मैं 10 साल जीऊं या ना जीऊं, आप 10 साल जिए ना जिए, बट इन्होंने जवानी में कह दिया, वो बात दूसरी है, बट धरातल पर कुछ नहीं है। ये एक खाली, मैं तो अमित शाह को धन्यवाद बोलता हूँ कि आप कम से कम इतने बड़े जुमलेबाज तो हैं, कि आप प्रधानमंत्री इतने बड़े जुमलेबाज तो हैं, कम से कम 100 देशों की यात्रा करी है। प्रधानमंत्री है देश के, आप जुमलेबाज कह रहे हो उन्हें? मैं श्योर उनकी जुमलेबाजी एक नहीं 10ियों बता दूंगा आपको। तो जो प्रधानमंत्री ये कहता है, गृह मंत्री ये कहता है कि मैं, ये तो एक वोट लेने के लिए जुमला था, तो जुमला था। तो आज वोटों की राजनीति है क्या? कभी मणिपुर के ऊपर प्रधानमंत्री बोले नहीं, पहलवान बेटियों के ऊपर कभी बोले क्या? कभी हरियाणा के मुद्दे क्या है? क्योंकि माना जा रहा है कि किसान पहलवान कहीं ना कहीं नाराज है, बहुत ज्यादा नाराज है। आम जनता ही नाराज है उसके लिए। तो ना, तो मैं तो ना इसको दोषी मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को मानता हूँ, और बाकी तो आप जानते हैं कि भाई इससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ मैं, क्योंकि इसका सबका दोष न प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के ऊपर जाता है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। माना जाता है जो अनुभवी लोग है, यानी बुजुर्ग है, तो अनुभव बहुत ज्यादा होता है। क्या कहेंगे? कांग्रेस ने विकास किया था पहले? नहीं किया था। भाजपा ने 10 साल में कुछ किया नहीं? कांग्रेस ने हमारे देश में भ्रष्टाचार इतना बढ़ा दिया, चरम सीमा पे, हमारे ताई दफ्तर में बिना पैसा दिए काम ना हो, भ्रष्टाचार बहुत करती। हाँ, भाजपा ने आते ही पहले भी जनता ने कई बार सरकार बदली, पर वो PM कमजोर है, और यो PM ऐसा आया
या ने सब ते चाबी उनकी धुमा दी। तो पीएम आए थे कुरुक्षेत्र में, अलग अलग यहाँ पर गए हैं। पीएम दुनिया में दी व्यस्त है, और हम आज भाजपा तक यहाँ सांसद ना जीता एमएलए या मारा, हम इनेरों में और हम किसान। बहुमत से कौन सी सरकार आएगी? बहुमत में तो ही नहीं आ रही, पूरे हरियाणा में ही ना आ रही, हमारा चैलेंज है। और हीरो जो बनेगा ये अभय चौटाला बनेगा, हीरो बनेगा। क्या लगता है आपको, विकास हुआ है नहीं हुआ है? भाई ऐसा है जी, विकास हमारे गांव में तो हुआ नहीं है जी। और भाई ऐसा है जी, जो हमारा ये जो कैंडिडेट खड़ा है चौटाला पार्टी से, भाई इसने चाहे कितनी भी गरीबी रेखा और भी ज्यादा हो जावे, भाई इसने भाईचारा बना कर रखा है। और भाईचारे के मतलब ये के इसका काम है जी। अच्छा, ऐसा माना जा रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस वर्सेस सारी पार्टियां है। भाई कांग्रेस से हमारा कोई वो नहीं है जी, जो मतलब कांग्रेस में जाएगा तो चाहे बीजेपी का कैंडिडेट में हो, किसी भी पार्टी से, जो ये भाईचारा बनावे हैं, ये आसीन खानदान ये भाईचारे को बरकरार रखता है जी। भाईचारे को क्या कहेंगे? बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे? अच्छा चलिए, और लोगों से बात करते हैं, बताइए क्या लगता है 10 सालों में काम हुआ नहीं हुआ, और अब किसकी बारी है हरियाणा? जैसे आप सवाल कर रहे हो कि प्रोग्रेस हुई या नहीं हुई, अनपढ़ आदमी वाला की मैं, अब इनसे जितने खड़े किसी से पूछ लो कितने रोड, कितने रेल लाइन, कितने कॉलेज प्रोग्रेस के जितने भी काम है वो हुए नहीं हुए। अभी थोड़ी देर पहले मेरे भाई ने बोला था, एक ने 2031 का है ये जो सारा प्लान है, जो ये 2031 का प्लान है, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये इसको जो इम्प्लीमेंट किया था 2031 का है, ना कि ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये जो मास्टर प्लान था 2031 का है, जो उसको इम्प्लीमेंट ठीक है मानता हूँ, कांग्रेस सरकार चली गई कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद में इसको उसको रिव्यू तो कर दिया था, मतलब ये प्लान है जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार का था कि मैंने इसको NCR क्षेत्र में लेना है, इसको डेवलप करना है, तो ये प्लान कांग्रेस सरकार का दिया हुआ था। तो उसमें ठीक है मानता हूँ किसी कारणों से कि कोई वजह थी जिसमें इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया था। आज भारतीय जनता पार्टी आ गई तो उसने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, तो KMP और बॉम्बे हाईवे एक्सप्रेस बना दिया, तो एक बहुत बड़ी सौगात नहीं दी हमें। ये तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, इसमें अगर इन्होंने करना था तो यही करना था कि भाई हम इसको ना हम यहाँ डेवलप करते, या हमारे यूनिवर्सिटियां बनती। आज हमने इतना संघर्ष किया है, जो आज ये 5-4 मंजिल का जो स्कूल इम्प्लीमेंट कराया, इसको बनवाया, हमें पता है कि सरकार के साथ हमने कितनी जद्दोजहद की है। हमारे 3,000 बच्चे ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस के समय पर विकास हुआ था, भाजपा के टाइम पे कुछ नहीं हुआ, बस चीजें आगे बढ़ाइए। यही बोल रहे कांग्रेस के टाइम पे क्या प्रूफ है इस भाई के पास कि आर्मी में भी दलाल पैदा कर दिए थे कांग्रेस ने, आर्मी में दलाल पैदा कर दिए थे। अभी 4 साल की अग्निवीर योजना, हमारे ऐसो ने मरवाई थी। 4 साल की अग्निवीर योजना से युवा बड़े परेशान। परेशान बिल्कुल नहीं है, उनकी नौकरी की आगे की गारंटी है। क्या गारंटी? क्यों गारंटी बोल रही है सरकार, सुबह से शाम तक बोल रही है, किसी पे दो, चाहे बिजली बोर्ड में दें उनको या पुलिस में जाए, कहीं भी जाए, हर महकमा बोल रहा है हम देंगे नौकरी उनको। पर यहाँ पर युवा तो कह रहे 4 साल में क्या ही नौकरी करेंगे, फिर जिंदगी बर्बाद है। ये खुद अपना चाहे प्राइवेट जॉब कर रहा है, अच्छी रोटी खा रहा है, इसको तो बोलाएंगे ही। सरकार नाज दे रही है, सब कुछ दे रही है सरकार, ये नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? कितने मकान दे दिए बीजेपी ने, कभी दिए थे किसी सरकार ने? जयपुर हाईवे 3 दिन बंद रहा था, क्यों बंद रहा था, क्या हुआ था उस टाइम पे? घर दे दिए बीजेपी सरकार ने यहाँ पर, और नौकरियां भी दी है। युवा जो अग्निवीर योजना है वो भी बहुत बेहतरीन है। मैं आपको एक याद दिला दूं, छोटी सी स्टोरी है। अभी नवादा में क्या कांड हुआ है, दलितों की बस्ती फूंक दी है, है? क्या प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, इन्होंने कोई बोला? नवादा के अंदर जो हुआ क्या सभी लोग देख रहे हैं, टीवी पर, व्हाट्सएप पर, सभी कुछ देख रहे हैं। क्या नवादा के अंदर क्या बोला? क्या बोला नवादा के अंदर? आज दलितों के 80 घरों की बस्ती फूंक दी, आज वो बेचारे रोटी अनाज फूंक दिया, पैसा फूंक दिया, राशन कार्ड फूंक दिया, सब कुछ फूंक दिया है, दबंगों ने फूंका ना। क्या बात कर लेते हैं यहाँ पर कि क्या कहेंगे